हेलो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यह मेरा 3 फीट का मॉन्स्टर टैंक है। इस टैंक सेटअप के वीडियो मैंने पहले दे रखा है। अगर आपने इस टैंक सेटअप की वीडियो नहीं देखा है तो मैं आई बटन में लिंक दे दिया हूँ, आप वहाँ पर क्लिक करके इस टैंक सेटअप के वीडियो को देख सकते हैं। इस टैंक सेटअप करके मुझे 2 महीने के करीब हो चुका है। सब कुछ ठीक चल रहा था लेकिन मेरा स्नेक स्किन ऑस्कर को थोड़ा व्हाइट स्पॉट का प्रॉब्लम आ गया है। अब देख सकते हैं इसका फिन्स भी थोड़ा टूटा हुआ है और यह गिल के पास की फिन्स में थोड़ा व्हाइट स्पॉट भी दिख रहा है। कैमरा में शायद आप ठीक से समझ नहीं पाएंगे लेकिन फिन्स पर व्हाइट स्पॉट्स आया है, इसलिए मैं इस ऑस्कर को सेपरेट करके इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करूंगा। तो फिर चलिए वीडियो को ज्यादा लंबा ना करके आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आपका खुद का चैनल एक्वा ब्लूम हेवन पर आपका दोस्त एन आपका स्वागत करता है। सबसे पहले मैं इस पुराने टैंक में से पानी निकाल लेता हूं क्योंकि फिशेस को अलग करके हॉस्पिटल टैंक में मैं पूरा नया पानी में नहीं दूंगा, इसलिए मैं इस टैंक का पानी एक बकेट के अंदर निकल रहा हूं। यहां पर मेरे पास ये 2 फीट बाय 1 फीट का हॉस्पिटल टैंक है। मैं इस टैंक के अंदर पानी को भर लेता हूँ। अभी सर्दियों का मौसम है इसलिए हॉस्पिटल टैंक में भी हीटर मस्ट है। यहाँ पर मैंने सोबो का 75 वॉट का एक हीटर ले लिया हूँ। हीटर के टेम्परेचर 28 डिग्री पर सेट किया है। अभी इस हीटर को मैं अपने टैंक में सेट कर लेता हूँ। एरेशन के लिए मैं यहाँ पर एक ऑक्सीजन पंप भी ऐड कर लेता हूँ। अभी टैंक में मैं हीटर और ऑक्सीजन दोनों को चालू कर दिया हूँ। अभी टैंक में से मैं अपने स्नेक स्किन ऑस्कर को पकड़ हॉस्पिटल टैंक में शिफ्ट कर दूंगा। मैं यहाँ पर पुराना पानी यूज किया था इसलिए फिशेस की टेम्परेचर अक्लाइमेटाइज की जरूरत नहीं है, क्योंकि पानी सेम टेम्परेचर में है और हीटर भी उसमें भी चालू है, इसलिए मैं डायरेक्ट फिश को पकड़ के उसे टैंक में शिफ्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर आप मछली को देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक लाइट भी ऐड किया हूँ लेकिन हॉस्पिटल टैंक में लाइट की कोई जरूरत नहीं है। जस्ट वीडियो बनाने के लिए मैं यहाँ पर लाइट का यूज कर रहा हूँ। उसके बाद मैं लाइट ऑफ कर रखूंगा। किसी भी ट्रीटमेंट प्रोसेस में कभी भी लाइट की जरूरत नहीं होता है। आज 31 दिसंबर है, आज से ट्रीटमेंट प्रोसेस स्टार्ट होगा। और आप मेरे चैनल का रेगुलर व्यूवर्स हो तो आपको पता होगा मेरे पास और एक टैंक है जिसमें एक ऑस्कर, 2 शिवराम, 1 पैरट फिश एंड 1 किसिंग गौरामी है। इस टैंक में भी देख सकते हैं ये शिवराम के बॉडी में व्हाइट स्पॉट है और किसिंग गौरामी के भी बॉडी में व्हाइट स्पॉट्स है। तो मैं इस टैंक में से इन 2 फिशेस को अलग करके उसी अस्पताल टैंक में शिफ्ट कर दूंगा। चलिए टैंक में से मैं शिवराम फिश को पकड़ लेता हूँ, उसके बाद किसिंग गौरामी को भी पकड़ लेता हूँ। ये देख सकती है यह मेरा शिवराम फीस है। हाथ में व्हाइट स्पॉट उतना अच्छे तरीके से विजिबल नहीं होता है लेकिन टैंक में छोड़ने के बाद आप देख सकते हैं इसका बॉडी में भी बहुत व्हाइट स्पॉट है और इसका भी फिन्स थोड़ा डैमेज है। ये रहा किसिंग गौरामी, इसको भी टैंक में रिलीज कर रहा हूँ। थोड़ा जूम करके दिखाने के बाद आप देख सकते हैं इन तीनों फिशेस के फिन्स थोड़ा बहुत डैमेज है और उनके फिन्स में व्हाइट स्पॉट्स है। तो फिर चलिए ट्रीटमेंट प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। Day 1, व्हाइट स्पॉट के ट्रीटमेंट करने के लिए जरूरी चीज रॉक सॉल्ट को मैं यहाँ पर ले लिया हूँ। रॉक सॉल्ट या संदक लवण आपको किसी भी जनरल स्टोर पर मिल जाएगा 10 से 20 रुपए के अंदर। मेरे इस टैंक में ऑलमोस्ट 40 लीटर पानी है, इस हिसाब से मैं यहाँ पर 1 चम्मच से थोड़ा कम रॉक सॉल्ट यूज करूंगा। पानी में रॉक सॉल्ट दे देने के बाद बारी है इस ट्रीटमेंट की असली मेडिसिन का। यहाँ पर मैंने अक्वेटिक रेमेडीज कंपनी का जनरल क्योर यूज किया हूँ। यह मेडिसिन भी 100 से 120 रुपए के अंदर मिल जाता है। इसके पीछे डोसेज एंड यूसेज लिखा हुआ है, अगर आप चाहे तो इसको पॉज करके पर लेना। मैं इसी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके ही मेरा ट्रीटमेंट करूंगा। 100 लीटर पानी के लिए 10 मिलीलीटर जनरल क्योर यूज करना है। मेरे यहाँ पर 40 लीटर पानी है इसलिए मैं इस ढक्कन जो कि 10 मिलीलीटर का ही है इसका आधा जनरल क्योर यूज करूंगा।
जनरल क्योर दे देने के बाद हीटर और ऑक्सीजन पंप को ऑन रख के लाइट बंद कर दूंगा और टैंक को एक दिन के लिए छोड़ दूंगा। मिलते हैं आपसे ट्रीटमेंट के सेकंड दिन में। Day 2। आज 1 जनवरी है। ट्रीटमेंट की दूसरा दिन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं टैंक का 30% वाटर निकाल लूंगा। 30% पानी निकालने के बाद नया पानी इसमें ऐड करूंगा। यहाँ पर मैं बकेट में नया पानी लेकर आ चुका हूँ। अभी बारी है टैंक में नया पानी ऐड करने का। नया पानी ऐड करने के बाद ट्रीटमेंट का प्रोसीजर पूरा सेम रहेगा। यानी सबसे पहले हम इस ढक्कन का आधा ढक्कन जनरल क्योर इसमें यूज करूंगा। इसके बाद फिर से 1 चम्मच से थोड़ा कम रॉक सॉल्ट इस वाटर में ऐड कर दूंगा। अभी फिर से लाइट ऑफ करके एक दिन के लिए छोड़ दूंगा। मिलते हैं आपसे ट्रीटमेंट के 3rd दिन में। Day 3। 3 नंबर दिन का फुटेज मुझसे गलती से डिलीट हो गया था, इसलिए मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ, लेकिन ट्रीटमेंट का प्रोसीजर Day 1 एंड Day 2 के जैसा ही सेम रहेगा। अभी टैंक को 2 दिन के लिए छोड़ देना है, यानी 4 नंबर दिन को छोड़कर 5 नंबर दिन में फिर से ट्रीटमेंट का प्रोसेस रिपीट होगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे 5th डे का ट्रीटमेंट में। Day 5। आज 4 जनवरी है। 5 नंबर दिन का ट्रीटमेंट प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बैड न्यूज है। मैंने इसमें जो किसिंग गोरामी को ऐड किया था, टैंक में शायद फाइट हुआ या क्या हुआ मुझे मालूम नहीं, लेकिन 4 नंबर दिन मैं घर पर नहीं था, तो मेरा घर वाले मुझे फोटो भेजे किसिंग गोरामी थोड़ा इंजर्ड है और उसे दिन वो मर गया था। तो 5 नंबर दिन में घर वापस आके फिर से ट्रीटमेंट का प्रक्रिया शुरू किया। पहला, दूसरा और तीसरे दिन की तरह ही सिम तरीके से ट्रीटमेंट प्रोसेस कंटिन्यू होगा। यानी कि सबसे पहले मैं एक साइफन पाइप के मदद से टैंक का 50% वाटर चेंज कर दूंगा। यहाँ पर आप मेरे 2 फिशर्स को देख सकते हैं। शिवराम फिश का व्हाइट स्पॉट थोड़ा कम लग रहा है और ऑस्कर फिश का भी फिन्स पहले से थोड़ा रिकवर हो चुका है एंड व्हाइट स्पॉट भी थोड़ा कम दिख रहा है। पानी को निकालने के बाद मैं बकेट में नया पानी लेकर आ चुका हूँ। अभी इस टैंक में नया पानी ऐड कर दूंगा। नया पानी ऐड करने के बाद आप दोबारा फिशेस को ठीक से देख लीजिए। मैं जूम करके आपको दिखा रहा हूँ, पहले से ऑस्कर का फिन्स और शिवराम का व्हाइट स्पॉट कम हो गया है। ट्रीटमेंट प्रोसेस 7 दिन का होगा, तो 7 दिन में इनका पूरा व्हाइट स्पॉट ठीक हो जाना चाहिए। चलिए ट्रीटमेंट प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो सेम तरीके से मैं यहाँ पर 1 चम्मच से थोड़ा कम रॉक सॉल्ट टैंक में ऐड कर दूंगा। उसके बाद जनरल क्योर भी आधा ढक्कन टैंक में ऐड कर दूंगा। अभी फिर से टैंक का लाइट ऑफ करके मैं इस टैंक को 2 दिन के लिए छोड़ दूंगा। तो मिलते हैं आपसे ट्रीटमेंट के 7 नंबर दिन में। Day 7। आज 6 जनवरी है। ट्रीटमेंट का 7 नंबर दिन। 7 नंबर दिन में भी व्हाइट स्पॉट क्योर नहीं हुआ है। 5 नंबर दिन में जैसे था वैसे ही दिख रहा है, पूरा पूरी व्हाइट स्पॉट क्योर नहीं हुआ है, इसलिए ट्रीटमेंट जारी रखना होगा। ट्रीटमेंट प्रोसेस एकदम सेम रहेगा बाकी दोनों की तरह। सबसे पहले 50% वाटर चेंज करके उसमें आधा ढक्कन जनरल क्योर यूज करना है। उसके बाद 1 चम्मच से थोड़ा कम रॉक सॉल्ट यूज करूंगा। तो मैं इस प्रक्रिया को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दे रहा हूँ।
डे 9। आज 9 नंबर दिन है, लेकिन व्हाइट स्पॉट पूरा क्योर अभी तक नहीं हुआ। ट्रीटमेंट प्रोसेस को और ज्यादा कंटिन्यू करना भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इन 9 दिनों से फिशेस को कोई खाना नहीं दिया हूँ। इसलिए अभी मैं मेरे फिशेस को उनका पुराना टैंक में शिफ्ट कर दे रहा हूँ। यूट्यूब में मैं कुछ वीडियो भी देखा था, इसी तरीके से ट्रीटमेंट करने के लिए बोला था, और जनरल क्योर के डिब्बे के पीछे डोसेज एंड यूसेज में भी से तरीका लिखा हुआ था, लेकिन इसी तरीके से करने के बाद भी फिशेस का व्हाइट स्पॉट रिकवर नहीं हुआ। अगर आप लोगों को व्हाइट स्पॉट क्योर करने की कोई मेथड मालूम है तो कमेंट करके जरूर बताना, या आप किसी दोस्त या किसी लोग को जानते हो जिनको व्हाइट स्पॉट की ट्रीटमेंट के बारे में नॉलेज है तो उनसे मेरा यह वीडियो जरूर शेयर कर देना। अगर यहाँ तक मेरे वीडियो देख रहे थे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना, फिशेस के रिलेटेड ऐसे ही वीडियो मेरे चैनल में आता रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।